हेलो गाइस, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु। मेरा नाम है शुभम। तो गाइस, आज हमारे पास है सैमसंग का V310। तो फ्रेंड, इसमें जो प्रॉब्लम है, इसकी डिस्प्ले पूरी तरह से ब्रोकर रख के। तो फ्रेंड, मैं आपको बताऊंगा कि इसकी डिस्प्ले कैसे चेंज करनी है सिंपल तरीके से। तो गाइस, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि डिस्प्ले में क्या प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, डिस्प्ले जो हमारी पूरी तरह से ब्रोकन हो रखी है। तो गाइस, इसे हमें चेंज करना है सिंपली तरीके से। तो इसके लिए हमें एक आयरन चाहिए होगा। तो गाइस, सबसे पहले ये लॉक यहाँ से निकाल लेने हैं डिस्प्ले के। लॉक निकालने के बाद आपको यहाँ से डिस्प्ले पीछे की साइड से देख सकते हैं आप, पीछे की साइड से हल्के से हटा लेनी है। पत्ता जो नीचे चिपका हुआ रहता है, इसे हल्के से छुटा लेनी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो दोस्तों, इसे छुड़ाने के बाद अब आपको यहाँ पे हल्का सा पेस्ट लगाना है। जो है, इस हल्का सा पेस्ट लगाना है यहाँ पे आपको अच्छी तरह से। आए सोल्डिंग वायर लेनी है, सोल्डिंग वायर हल्की हल्की लगा देनी है इस पर, ताकि ये अच्छी तरह से हीट हो सके। और फ्रेंड, बिल्कुल आसानी से निकालनी है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको इस साइड से उठाते जाना है आयरन लगा के। तो गाइस, देख सकते हैं आप किस तरह से डिस्प्ले निकल चुकी है। ये डिस्प्ले है गाइस। ठीक है गाइस, अब हमें ये पिन अच्छी तरह से साफ करनी है। ध्यान रहे कि कोई भी पिन आपस में शॉर्ट ना हो। तो गाइस, ये डिस्प्ले है जो हमें इसमें सॉल्व करनी है। इसे सबसे पहले आपको इस पर भी हल्का हल्का पेस्ट लगाना है गाइस, जिससे कि ये डिस्प्ले शॉर्ट ना हो। गाइस, इसे पेस्टिंग कर लेनी है हमें अच्छी तरह से। अब इस पर सोल्डिंग करनी है। ठीक है गाइस, अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लेनी है हमें इस पर। ध्यान रहे कि ये भी डिस्प्ले की भी पिन शॉर्ट नहीं होनी चाहिए कहीं भी आपस में। अच्छी तरह से सोल्ड करनी है फ्रेंड्स, ताकि ये शॉर्ट ना हो आपस में। और यहाँ आपको बिल्कुल अच्छी तरह से सेट करनी है डिस्प्ले जो है बोर्ड पे। अच्छी तरह से सेट करने के बाद बोर्ड पे सेट कर लेनी है अच्छी तरह से। और फ्रेंड, सोल्डिंग कर देनी है बिल्कुल अच्छी तरह से। सोल्ड करना है, ध्यान रहे कि शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। गाइस, अच्छी तरह सोल्डिंग हो चुकी है। अब हम इसे चेक करें कि जो डिस्प्ले वाइट आई है या प्रॉपर काम कर रही है। तो गाइस, जो हमारी डिस्प्ले है इसमें प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से सिंपल तरीके से आपको डिस्प्ले चेंज करनी है। तो गाइस, सबसे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, ताकि और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना कि मैं नई नई अपडेट डालता रहता हूँ, तो फ्रेंड्स आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं उस पर भी नई वीडियो बनाऊँ। ओके, थैंक यू गाइस।